देखिए दोस्तों, झारखंड को जो है बहुत बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, झारखंड के वासियों को बहुत ही बड़ी राहत मिली है अनलॉक 5 में। देखिए 11 जिले में जो है कोरोना वायरस के संक्रमण जो है 25 से भी कम आए, इसलिए सरकार ने बहुत ही बड़ी निर्णय लिए हैं कि दोस्तों राज्य में जो है बसों की आवागमन स्टार्ट हो गई है, बस चालू हो गए हैं राज्य में दोस्तों आज से, और आज से सभी तरह के जो है दुकानें खोल दिए गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों पूरा न्यूज़ हम आपको बताते हैं दोस्तों, क्या खुले रहेंगे क्या बंद रहेंगे दोस्तों। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों यह है पूरा न्यूज़ दोस्तों। अब जो है सभी जिलों में देखिए रात 8 बजे तक जो है दुकानें खुले रहेंगी दोस्तों। सभी जिलों में जो है रात 8 बजे तक दुकानें खुले रहेंगे। एक जिले से दूसरे जिले तक जो है बस का आवागमन होगा। बाहर से यानी दूसरे राज्य से आने वाले 7 दिनों तक जो है क्वारंटाइन रहने की अब ज़रूरत नहीं। रेस्टोरेंट जो है 50% तक जो है सीटें के साथ खुलेंगे। एक जगह पर जो है 50 लोगों के इकट्ठा होने की छूट मिली है। सिनेमा जो है सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स के में सीटों की क्षमता जो है आधे लोगों की बैठने की छूट दी गई है। हालांकि रविवार को जो है बाजार जो है पूर्ण तरह से लॉकडाउन रहने वाली है पहले की तरह। बाजार जो है शनिवार को ही स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और पूरे पूर्ण लॉकडाउन जो रहेगा आप लोगों का पहले की तरह ही रहेगा रविवार को। तो देखिए क्या खुले रहेंगे दोस्तों, तो जाने विस्तार से देखिए। सब जिलों में जो है सभी दुकानें 8 बजे तक अपराह्न 8 बजे तक खुले रहेंगे, यानी रात 8 बजे तक खुले रहेगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% जो है मानव संसाधन के साथ जो है खुल सकेंगे। देखिए आगे हम लोग देखते हैं तो शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक जो है सभी दुकानें सब्जी फल किराना की दुकानें सहित बंद रहेंगे। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध स्टोर जो है खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल बार मल्टीप्लेक्स रेस्टोरेंट 50% के साथ जो है खुले रहेंगे दोस्तों। स्टेडियम जो है जिम और पार्क जो है खुल सकेंगे। और देखिए आगे देखते हैं तो समस्त शैक्षणिक संस्थान जो है बंद रहेंगे। जी हाँ, शैक्षणिक संस्थान जितने भी जो है बंद रहने वाले हैं। आंगनबाड़ी के केंद्र जो है बंद रहेंगे, पर लाभुकों को जो है घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 50 व्यक्ति से देखिए एक जगह में जो है दोस्तों 50 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा। अभी भी प्रतिबंध रहेगा दोस्तों एक जगह में 50 व्यक्ति से अधिक इकट्ठे होने पर। बुटीक हॉल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे, परंतु 50 से जो है ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के साथ बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगा। राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है, अंतर्राज्य बस परिवहन पर रोक जारी रहेगा। पब्लिक परिवहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठ सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी। जी हाँ, देखिए भारत सरकार द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षा है कराई जाएगी। अब परीक्षा बहुत ही जल्द जो है आप एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। राज्य के द्वारा कराई वाली परीक्षा स्थगित हो रहेगी। मेल और प्रदर्शन पर रोक जारी रहेगा। मेला और प्रदर्शनी पर जो है रोक जारी रहेगा, सॉरी दोस्तों। निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने का ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। अब ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए जो है झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास की आवश्यकता होगी। अगर यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो आप लोगों का ई पास की होना जरूरी रहेगा। दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का जो है होम क्वारंटाइन रहना होगा। आगंतुक को व्यापक टेस्टिंग की जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम सुसंगत धारा अंतर्गत जो है प्राथमिक दर्ज कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश का अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। तो देखिए दोस्तों फिर से जो है अब अगले आदेश तक तो यह प्रभावी रहेगा। पूरा जुलाई तक जो है यह रख सकता है दोस्तों, ठीक है। पूरा जुलाई तक जो है पूरा यह लॉकडाउन रहने वाली है, मिनी लॉकडाउन। कल जो वित्त मंत्री द्वारा अनाउंस किया गया सभी जिलों में सभी राज्यों में जो है पूरा जुलाई तक जो है मिनी लॉकडाउन रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।